सैमसंग गैलेक्सी A34 5G। दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 48 मेगापिक्सल का OIS कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 8GB की रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में सैमसंग गैलेक्सी A34 5G आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं मैं सरसोल यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 6.6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके पीक ब्राइटनेस है 1000 nits। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आती है, और आप तो जानते ही हो कि एप्पल के अंदर भी जो डिस्प्ले यूज करी जाती है वो सैमसंग ही मैन्युफैक्चरिंग करता है, और सैमसंग के डिवाइस के अंदर सैमसंग की जो डिस्प्ले लगी है वो सुपर एमोलेड है। मतलब कलर ग्रेडेशन बहुत ही अच्छे खासे अपन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कैमरा सेटअप की बात करूँ तो 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल का है माइक्रो कैमरा। 48 मेगापिक्सल का अपेचर है f1.8 जो OIS कैमरे के साथ में आता है, और 8 मेगापिक्सल का अपेचर है f2.2 जो कि अल्ट्रा वाइड है, और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा आता है जिसका अपेचर है f2.4। साथ में यहाँ पे 4K में 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और फुल HD में 60 और 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कलर ग्रेडेशन और वीडियो वगैरह काफ़ी अच्छे खासे निकल के सामने आते हैं। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जिसका अपेचर है f2.2, और आगे वाले यानी सेल्फी कैमरे से भी 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60fps पे। साथ में यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा काम किया है सैमसंग ने, इस बार AI टूल्स दिया है, मतलब आप वीडियो और फोटो निकालते समय AI का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपकी और भी ज़्यादा क्लियरिटी और क्वालिटी के अंदर आप वीडियो और फोटो ले सको। रैम रोम और प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों यह स्मार्टफोन 2 वेरियंट में आता है, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, और 8GB 128GB और 8GB 256GB। मैं बात कर रहा हूँ 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में यह स्मार्टफोन आता है 28,999 रुपये का, और दूसरा आता है 8GB 256GB के साथ में 30,999 रुपये का। 1TB तक SSD कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो। साथ में दोस्तों ये 6GB वाला वेरियंट भी आता है इसके अंदर, और ये एक साथ यदि आप क्रेडिट कार्ड वगैरह लोगे तो 3-4 हज़ार का ऑफ आपको मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड 13 पर आता है, जो कि बेस है OneUI 6 पर। 4 साल के यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेंगे, 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सैमसंग का ये ऐसा स्मार्टफोन है जो कि 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट के साथ में ये आता है। साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी है वो K-Notch की यहाँ पे सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की बात करूँ तो सबसे पहले चिपसेट की बात, और MediaTek का MT6877V चिपसेट देखने को मिलता है। CPU Dimensity 1080 देखने को मिलता है, जो कि 6 NM पर बेस है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2x2.6 GHz Cortex A78 आता है। दूसरा आता है 6x2.0 GHz Cortex A55। GPU यहाँ पे माली G68 MC4 चिप यहाँ पे लगी हुई है, जिसका अंतिम स्कोर 472,000 आता है। गेमिंग की यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों आप यहाँ पे COD, PUBG और GTA वगैरह आराम से फुल सेटिंग पे लॉन्ग टाइम तक आप खेल सकते हो। साथ में यहाँ पे 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है 25W के फास्ट चार्जर के साथ में, तो मतलब 25W बहुत कम है, लेकिन हाँ एक दिन आराम से चल जाएगा गेमिंग वगैरह खेलोगे तो। कनेक्टिविटी और फीचर्स की बात करूँ तो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, डॉल्बी एटमॉस आता है, स्मार्ट स्विच आता है, क्विक शेयर आता है, ऑल सैमसंग डिवाइस कनेक्ट आता है, 5G ऑल बैंड्स आते हैं, 4G आता है, ब्लूटूथ 5.2 आता है, वाईफाई आता है, ऑल कनेक्टिविटी सेंसर आता है। साथ में यहाँ पे IP67 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट प्रूफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये फ़ोन है महंगा, 28 से 30 हज़ार का महंगा है ये, आपको ये फ़ोन क्यों लेना चाहिए? दोस्तों यदि आपको ज़्यादा हैवी टास्क नहीं करने हैं, अपने ऑफिस में नॉर्मल यूज करना है, आप यदि घर पे मल्टीमीडिया मूवी वगैरह ज़्यादा देखते हो, या फिर डे बाय डे कुछ भी व्हाट्सअप इंस्टा फेसबुक वगैरह चलाते हो, तो उनके लिए यह फ़ोन काफ़ी अच्छा खासा साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने वाले हैं। मतलब ये फ़ोन लेने के बाद में आराम से 4 से 5 साल आप रखने वाले हो, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज ऑफलाइन मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ऑनलाइन मार्केट में भी। तो आई होप कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।